अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन की जिसकी मदद से हम बिल्कुल 3D में फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे फ़ोटो दिखाई दे रहा है तो ये एक 3D टाइप फ़ोटो है। इसको हम अपने एक्सेलेरोमीटर के थ्रू मूवमेंट करा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये फ़ोटो जो हमारा मूवमेंट कर रहा है, ये हमारे फ़ोन के रोटेशन से मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह का फोटो हम इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत आराम से क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आप ये फोटो क्लिक कर सकेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हमारी एप्लीकेशन का होम पेज है ये, और यहां से हम टेक 4G पर क्लिक कर देते हैं। और यहां से आप चाहें तो इसके ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हैं, साथ ही आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फोटो आपको किस तरह से खींचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है ये फ़ोन, फिलहाल मैं यहाँ पर केवल फ़ोन का यूज़ कर ले रहा हूँ। आप चाहें तो अपना फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने फ़ोन के लेफ्ट साइड से अपने कैमरे पर क्लिक करेंगे और राइट साइड में इसका मूवमेंट करते हुए लाएंगे। चलिए अब कैमरे पर क्लिक करते हैं और अपने फ़ोन को राइट साइड में मूव कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो है वो क्लिक हो चुका है। तो यहाँ पर अभी इसकी कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, तो इसकी प्रोसेसिंग चलने देते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो था वो बिल्कुल 3D टाइप क्लिक हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपने फ़ोन को कहीं भी रोटेट करते हैं तो उसी के हिसाब से हमारा जो फ़ोटो है वो भी रोटेट होगा। तो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें एक डिलीट का ऑप्शन मिलता है, FX का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है, इसके अलावा यहाँ पर एक मेनू का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर FX पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने फ़ोटो की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, साथ ही जो ह्यू सैचुरेशन होता है इसको भी बढ़ा सकते हैं, फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं, ऑयली पेंटिंग कर सकते हैं, शर्फेन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इन सब का यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हमें शेयर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हम अपनी फाइल को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री मिलता है, रोटेट 180 डिग्री मिलता है, स्वैप डायरेक्शन मिलता है, डिटेल मिलता है। तो फिलहाल हम यहाँ से इस पर किसी पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 4G का लोगो है इसके साइड में हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम इस वॉलपेपर को अपनी मेन स्क्रीन पर भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं इसको सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक कर देता हूँ और अब यहाँ से होम पे क्लिक करता हूँ। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटोज़ था तो वो अब सेव भी हो चुका है। तो इस तरह का आप फ़ोटो इस एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत आराम से क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आप इस फ़ोटो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन पे भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किस तरह से करना। आप देख सकते हैं आपको राइट साइड में एक डाउनलोड लिंक नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।